नाला सुपारे में ज्वेलर्स के मालिक की हुई निर्मम हत्या, देखिए पूरी जानकारी। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नाला सुपारा में इन दिनों क्राइम का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, और ऐसे में पुलिस को जो है तमाम तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा और ऐसे क्राइम की वारदातों को कम करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, आज जो घटना हुई है, लक्ष्मी ज्वेलर के मालिक किशोर जैन की हत्या कर दी गई है। लूट के इरादे से चोर आए हुए थे, क्या पूरी जानकारी है हम विजुअल के साथ हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट बताते हैं। देखिए शिवानी दुबे की ये खास रिपोर्ट। पालघर जिले के अंतर्गत आने वाला नाला सुपारा, लगता है नाला सुपारा आपराधिक गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा है। पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी इस क्षेत्र में छिनैती, हत्या और लूट जैसी वारदातें आए दिन होते ही रहती हैं। ऐसा ही एक मामला आज नाला सुपारा वेस्ट के साक्षी ज्वेलर्स से सामने आया, जहां दो लोग साक्षी ज्वेलर्स की दुकान में तकरीबन सुबह 11 बजे लूट के इरादे से दाखिल होते हैं, जिसकी भनक साक्षी ज्वेलर्स के मालिक किशोर जैन को लग जाती है और वह लुटेरों का विरोध करते हैं। मालिक द्वारा विरोध होता देख दोनों लुटेरे उन पर टूट पड़ते हैं तथा दुकान के मालिक के सर पर चाकू और कैंची से कई वार कर मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं, जिसके बाद लोगों द्वारा किशोर को घायल अवस्था में ही नाला सुपारा ईस्ट के अलायंस हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। इस जघन्य हत्या की वारदात से ज्वेलर्स के आसपास के दुकानों में भय का माहौल पैदा हो गया है। अब देखना यह है कि इस जघन्य अपराधों को अमलीय जामा पहनाने वाले अपराधियों तक पहुंचने में पुलिस को कितना समय लगता है। इन हत्यारों की तलाश कर पुलिस उन्हें कब तक सलाखों के पीछे कैद कर पाती है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की एक रिपोर्ट। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।